हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राकेश यादव सर की बुक क्लास नोट्स का बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। प्रियंका वॉज गोइंग इन अ बोट, सडनली हर कैप फेल इन टू द वाटर एंड स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम हर बैकवर्ड्स विद द स्ट्रीम। द बोट केप्ट ऑन मूविंग 12 मोर मिनट्स अगेंस्ट द स्ट्रीम व्हेन प्रियंका रियलाइज्ड दैट हर कैप फेल इन टू द वाटर। शी टुक अ यू टर्न and rowed with the stream to catch her cap, and the point where she caught the cap is the point from where she started. If her cap fell into the water 3 km away from the starting point, then find speed of the stream. आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। सपोज कीजिए ये किनारा है जहाँ से प्रियंका ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और कुछ समय बाद यहाँ पर प्रियंका की कैप पानी में गिर गई। उसके बाद प्रियंका 12 मिनट तक और चलती रही, और यहाँ पर उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके पास कैप नहीं है। उसके बाद उसने उल्टी डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट किया और कैप को उसी जगह पकड़ा जहाँ पर उसने चलना स्टार्ट किया था। सपोज़ कीजिए यहाँ, तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू डब्ल्यू, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू डब्ल्यू, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ प्रियंका इज बी एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज डब्ल्यू। और रिलेटिव स्पीड का एक कंसेप्ट आपको पता होगा, जब दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड हम माइनस करते हैं, और जब अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड ऐड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जहाँ पर प्रियंका ने इसको देखा कि कैब उसके पास नहीं है, वो 12 मिनट बाद उसने देखा, तो जब उसने जैसे ही उसने देखा कि कैब कहाँ पर है, सपोज़ कीजिए जहाँ पर उसने देखा कि कैप यहाँ पर है, कैप बना यहाँ पर कैप पानी में तैर रही है, यहाँ पर प्रियंका ने देखा कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब 12 मिनट कैप यहाँ से यहाँ तक हुई, प्रियंका यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट में। तो मुझे बताइए कि प्रियंका किस स्पीड से चल रही है। प्रियंका चल रही है बी प्लस बी माइनस डब्ल्यू की स्पीड से, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये है, स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। और बोट की स्पीड इस डायरेक्शन स्टार्टिंग में वो चली तो लहरों के अपोजिट डायरेक्शन में चली, तो प्रियंका की स्पीड ये हो रही है, और कैप की स्पीड से जा रही है, कैप डब्ल्यू की स्पीड से ही जा रही है। तो अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस कितना हो जाए, स्पीड इंटू टाइम। इनकी स्पीड कितनी है, अगर रिलेटिव स्पीड की ओर से आप देखेंगे कि प्रियंका इधर जा रही थी, कैप इधर जा रही थी, उनके बीच का डिस्टेंस तेज़ी से बढ़ेगा तो स्पीड ऐड होगी। बी माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू किलोमीटर पर मिनट इंटू 12 मिनट। अब ये किलोमीटर पर मिनट मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हमने बी और डब्ल्यू सब कुछ एजम्पशन है, तो आप कुछ भी ये मान सकते हैं उसकी यूनिट, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें स्पीड जब निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है, आप कुछ भी यूनिट मान सकते हैं। मैंने इसलिए माना ताकि ये इससे कट जाए और ये इससे कट जाएगा, तो 12 बी डिस्टेंस होगा जब प्रियंका ने उसको देखा। अब आप ये बताइए कि जैसे उसने देखा, उसने अपनी बोट रिवर्स डायरेक्शन में मोड़ ली, और उसके बाद प्रियंका की स्पीड कितनी हो गई। प्रियंका की स्पीड हो गई बी प्लस डी, अब वो इसी डायरेक्शन में जा रही है। और कैप की स्पीड कितनी होगी, कैप की स्पीड तो डब्ल्यू ही है। और अब डिस्टेंस हमें कितना हुआ, 12 बी। अगर आपको जो चोर और पुलिस का क्वेश्चन याद हो कि डिस्टेंस 12 बी है और रिलेटिव स्पीड आप निकालें तो आपको टाइम पता लग जाएगा। तो अब आप अगर टाइम निकालेंगे कि कितनी देर में प्रियंका पकड़ लेगी, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 12 बी,
और स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड है, दोनों एक डायरेक्शन में अब जा रहे हैं, प्रियंका भी पकड़ने जा रहे, ट्रॉफी भी इधर ही जा रही है, तो बी प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू क्या आ गया, 12 बी अपॉन बी इज इक्वल टू 12 मिनट। तो ये 12 मिनट क्या हुआ, ये 12 मिनट वो टाइम है जब प्रियंका ने जैसे ही मुड़ा और जितनी देर में कैब को पकड़ा, ये 12 मिनट वो 12 मिनट। आप इस 12 मिनट और इस 12 मिनट कंफ्यूज मत होइए कि ये 12 मिनट हमने डबल कर दिया, नहीं, ये कुछ भी आ सकता था। ये 12 मिनट आया है जैसे प्रियंका मुड़ी और उसने जब कैब को पकड़ा तो वो 12 मिनट को पकड़ा। कैब जब उड़ी और जब से जब प्रियंका ने देखा कि उसके पास कैब नहीं है, वो 12 मिनट था, और जब उसने मुड़ी और उसने फिर कैब को यहाँ पर शॉर्ट आउट पकड़ा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए कि कैब इज द पॉइंट ऑफ वेयर शी स्टार्टेड, शी गॉट द कैब इज द पॉइंट, सो उसने यहाँ पर कैब को पकड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 मिनट में उसने कैब को पकड़ा। अब आप मुझे ये बताइए कि हमें पूछा क्या, हमें पूछा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें निकालना है, और 12 मिनट स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप मुझे ये बताइए कि डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ तक का कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर, क्योंकि टोपी यहाँ पर गिरी थी और 3 किलोमीटर बाद गिरी, 3 किलोमीटर। और मुझे ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट थे, क्योंकि प्रियंका ने 12 मिनट बाद देखा तो हमने ये डिस्टेंस निकाला था 12 मिनट के बाद, और प्रियंका ने पकड़ा कितनी देर में, 12 मिनट में, तो मतलब टोपी जहाँ से आती कितनी देर में पहुँची, 12, तो ये भी 12 मिनट है और ये भी 12 मिनट, ये 12 मिनट किसी लिए, क्योंकि 12 मिनट ही प्रियंका यहाँ से यहाँ चली और 12 मिनट ही कैब यहाँ से यहाँ पहुँची। यहाँ पर प्रियंका ने कैब को देखा कि 12 मिनट बाद कैब यहाँ है, और कितनी देर में पकड़ा, फिर 12 मिनट में पकड़ा, जो कि हमने यहाँ निकाला, तो कितना टाइम हो गया, 24 मिनट, और 24 मिनट को घंटे बनाएंगे 3/24 × 60, तो 12 × 60 = 24, 15/2, तो ये आ गया 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम किसी भी, क्योंकि कैब स्ट्रीम की स्पीड से जा रही है, कैब की कोई और स्पीड नहीं, पानी में गिरी और पानी की धारा से बहन होगी। उम्मीद है आपको समझ आएगा, आप एक बार और रिपीट करके इसको देख लीजिए।